ये है जे जे न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं जनता जवाब न्यूज। देखिए सच सच्चाई के साथ। आदाब नमस्कार, आपका स्वागत है जनता जवाब न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुनैद आलम। 14 जून को हुआ मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव। कांग्रेस और शिवसेना की युति से बनी सरकार, आइए देखते हैं कुछ झलकियां। कांग्रेस अध्यक्ष शेख रशीद को 41 वोट देकर चुना गया मेयर। शिवसेना के सकराम घोड़के को भी 41 वोट देकर चुना गया डिप्टी मेयर। मेयर शेख रशीद के कॉर्पोरेशन से बाहर आते ही चाहने वालों ने किया शानदार इस्तकबाल। माजी महापौर और MIM अध्यक्ष अब्दुल मालिक ने भी मेयर शेख रशीद का किया शानदार इस्तकबाल। मालेगांव शहर के 7वें मेयर शेख रशीद ने कहा कि सबसे पहले शहर के मेन रास्तों से अतिक्रमण हटाऊंगा। सभी सदस्यों को मुबारकबाद देता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं। साथ साथ में हाउस के सभी सदस्यों का भी शुक्रिया अदा करता हूं। आज जो हमारी शिवसेना और कांग्रेस की जो युति हुई, ये एक जयती दिखाने के लिए नहीं बल्कि एक जयती बनाने के लिए शहर के अंदर हम लोगों ने मालेगांव कॉर्पोरेशन में युति किया। दोस्तों, घोड़के साहब और यहाँ पे MIM के बुजुर्ग नेता, भले ही वो कटस रहे, लेकिन उन्होंने जो यहाँ का उनको अनुभव है, घोड़के साहब को मुझसे पहले का अनुभव है, ये बात भी ठीक है कि मुझे भी अनुभव है, लेकिन हम लोग सब मिलकर के सबको साथ लेकर के किसी के साथ भेदभाव ना करते हुए शहर के अंदर विकास कामों को अच्छे ढंग से अंजाम देने की कोशिश करेंगे और कुछ अच्छा करके दिखाएंगे। हमारा मकसद ही यही है। हमको ना कोई पार्टी देखना है, ना कोई किसी का विरोध करके करना है, बल्कि सबको जनता का कैसे हम लोग शहर के अंदर पूरी जनता ने जो हाथ लगा के रखी, खास तौर से हम लोगों से, शिवसेना और कांग्रेस के लोगों से और हमारे सभी साथियों से, इसलिए हम जरूर उनके इत्मीनान के ऊपर पूरी तरह से उतरेंगे। और क्योंकि अच्छे ढंग से यहाँ पे मैं नगर अध्यक्ष था, नगर अध्यक्ष के दौर में भी अच्छे ढंग से मैंने यहाँ पे काम का अधिकारियों को साथ लेकर के मालेगांव शहर के अंदर विकास किए। आज तो मेरे पास में कई अनुभव है, इधर घोड़के साहब है तो इधर मेरी मिसेज है, उधर इनू दादा है और दीगर साथी अनुभव वाले हैं। आसिफ भाई आमदार अगर है तो वो महापुर रह चुके, उनका भी अनुभव है। मेरे बाकी नगर सेवक जो माजी के अभी चुन करके आए, जो उनको भी अनुभव है, और कई ऐसे साथी जो है कई कई मरतबा चुन करके आए, उनको बराबर उनकी सहमति से हम मालेगांव कॉर्पोरेशन के अंदर अच्छे ढंग से काम। ये युति आने वाले 2019 की नांदी है क्या? नहीं, ऐसा है, ये युति पूरे 5 साल के लिए नहीं, 2019
विधानसभा निवडणूक की विधानसभा आएगी जब देखेंगे ना। भाई सबसे पहले गाँव में क्या काम करना, सबसे पहले आप मेयर बनने के बाद में कौन से काम को प्रायोरिटी देंगे? एकदम सच बात बोलता हूँ। यहीं से मैं संदेश देना चाहता हूँ शहर की मालिका और शहर की खास तौर से सभी गरीब अमीर आवाम को कि जो राहदारी के लिए पूरे शहर में मेन रास्ते जितने हैं, मेन रास्ते उसके ऊपर जो इतना अतिक्रमण है, मैं उनसे गुजारिश करूँगा आप लोगों के माध्यम से कि आप लोग खुद ये दिल के अंदर सोचिए, अपने दिमाग में सोचिए, अपने दिल में बात इसको सोच करके अच्छे ढंग से सोचिए कि आपके अपने घर के बच्चे, आपके अपने घर की फैमिली के लोग हर रास्ते से शहर के गुजरते हैं, लेकिन जो तकलीफ का सामना ट्रैफिक की वजह से और अतिक्रमण की वजह से उनको जो करना पड़ता है, इसके लिए वो आप लोग खुद सोच करके उसके अंदर कॉरपोरेशन के अधिकारियों को और हमको सपोर्ट करें ताकि शहर की आवाम को उससे राहत मिले। ये पहला एक मेन काम मेरे खुद के दिमाग में है। ये पहले मैं एक साल पहले इसके बारे में तहरीक चला चुका हूँ और मेरा ये मकसद ही लेकर के आया हूँ। दूसरा मकसद ये है कि काम की क्वालिटी, जो रास्तों की इमारत जो बनती है, गड्ढे जो बनती है, उसके अंदर पहले की तरह क्वालिटी नहीं आती, उसके ऊपर हमारा लक्ष्य रहेगा कि क्वालिटी अधिकारी कैसे अच्छे ढंग से ले सकते और हमारा ध्यान रहेगा उसके ऊपर। अगर क्वालिटी नहीं मिली तो उसके तरफ कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। ग्राम विकास राज्य मंत्री दादाभाऊ भुसे यांचे जे विचार आहेत, त्या विचार जे त्यांचे जे विचार आहेत, शिवसेनेचं एक धोरण आहे 80% समाजकारण 20% राजकारण, या धोरणाने आणि काँग्रेस पक्षाच्या साथीने आम्हाला ह्या गावात काही द्यायचंय तसं माननीय महापौरांनी सांगितलं। अतिक्रमण आहे, त्याचप्रमाणे या गावात साफसफाईचा जो प्रश्न आहे, भुयारी गटारीची जी योजना आहे, ISDP-ची जी योजना आहे, या संपूर्ण योजनेला शिवसेनेच्या माध्यमातून और सत्तेच्या माध्यमातून जो आज सत्तारूढ जो गट आहे हा चांगल्या प्रकारे या गरीब नागरिकांना टॅक्स न वाढ करता जास्तीत जास्त सुविधा देण्याचा आमचा प्रयत्न राहील। कुठलाही भेदभाव, कारण हिंदू मुस्लिम कुठलाही भेदभाव शिवसेना मानत नाही, जे मानवतेच्या दृष्टिकोनातून जे काम करायला पाहिजे त्या गोष्टीची जो टॅक्सपेअर मनुष्य आहे त्या शेवटच्या याच्यापर्यंत नळ गटार पाणी ज्या ज्या नागरी सुविधा आहेत आणि शासनाच्या ज्या ज्या सुविधा आहेत त्या आम्ही नामदार दादाभाऊ भुसे, त्याचप्रमाणे मध्यचे जे आमदार आहेत आसिफ शेख यांच्या माध्यमातून आणि आमचे मित्र जे महापौर झालेले आहेत, या आम्हाला कामाचा जो अनुभव आहे या अनुभवाच्या जोरावर या शहराला आम्ही काही ना काही चांगल्या प्रकारे देऊ, एवढंच या प्रसंगी। एडवर्टाइजमेंट, इश्तेहारात और जाहिरात के लिए इन नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। देखिए जनता जवाब न्यूज 10 सेट ऑफ बॉक्स के चैनल नंबर 192 पर सुबह 10 बजे, दोपहर 2 बजे और रात 9 बजे। और देखिए जनता जवाब न्यूज यूट्यूब पर भी। देखिए सच सच्चाई के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।